एक तरफ जहां शासन और प्रशासन से गोवंशी पशुओं की सुरक्षा व संरक्षण के लगातार आदेश दिए जा रहे हैं, तो वहीं केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार इस पर ताल ठोकने में अभी पीछे नहीं हटती, लेकिन यहां के जिम्मेदार अधिकारियों को कोई खबर नहीं है। योगी सरकार की निगरानी में डुमरियागंज विकासखंड के पुराना में बने अस्थायी गौशाला की हालत बद से बदतर दिखाई दे रही है। बेजुबान भूख और प्यास के चलते बीमार होकर काल के गाल में समा रहे हैं, जिम्मेदार कभी झांकने नहीं आते। यहाँ भूख और प्यास के चलते जब से प्रारंभ हुआ करीब डेढ़ दर्जन से अधिक बेजुबानों की जान जा चुकी है, तो वहीं कितने बेजुबान भूख और प्यास से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। नाम आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? गौशाला आप ही देखते हैं? हाँ देखते हैं। गाय माता को खिलाने के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर है? चारा पानी कुल खवावा जा रहा, दाना पानी। चारा कौन चारा खवाओ तू? कितना गाय मरी है? 16। 16 गाय? हाँ। कितने दिन में? एक महीना में 16 गाय? हाँ। और कई बीमार ही? अब एक बीमार है, मरी है सुबह। आज सुबह मरी है? हाँ। अच्छा, एक बीमार है। हाँ। ये कैसे मरी? अरे आज 5-6 बजे यही में है। अच्छा, पानी वानी कहूँ पनिया कैसे पियावा तो? बाल्टी भर के पियावा तो। हाँ। और कहूँ पानी वानी नहीं भरा गाय के पिए खत्ती? हाँ, कहूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर राजेश कुमार। ये बताइए, जो पुराना गौशाला में गाय मर रही हैं, वो किस कारण मर रही हैं? सर, जैसे जो जानवर जब आते हैं तो पूरी तरह से वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि वो बाहर खाते पीते हैं। गौशाला में आने पर उनको उस स्तर का खाना पीना नहीं मिल पाता है, जिससे धीरे धीरे जानवर निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं, और जब निगेटिव बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो उससे जानवर कमज़ोर होकर बैठक ले लेते हैं, तो वहाँ पर उतनी दवाएँ भी नहीं अफेक्ट करती हैं, चूँकि निगेटिव एनर्जी बैलेंस उनका मेंटेन रहता है। तो निगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से वो धीरे धीरे जो है मौत की तरफ चली जाती है।